आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी पेड़ से दो चार पत्तियां तोड़ रहे हों और आपको सरकारी गार्ड उठा ले जाएं, 7 दिन तक आपको जेल में रखें और मुकदमा 4 साल से भी ज़्यादा चले? ज़ाहिरन आपको यह बात मजाक लग रही होगी, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। पिछले दिनों मैं घूमते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के एक आदिवासी गाँव ढोड़न में पहुँचा। वहाँ मेरी मुलाकात हुई कुंजी नाम के एक शख्स से। कुंजी ने बात बात में मुझे बताया कि उन पर 4 साल से एक मुकदमा चल रहा है। मैंने सोचा कि होगा कोई लड़ाई झगड़े मारपीट का केस, लेकिन उन पर पेड़ से दो चार पत्तियां तोड़ने का मुकदमा चल रहा है, वह भी 4 साल से। यही नहीं, इस संगीन अपराध के लिए कुंजी को ताले में बंद कर दिया गया था और वह पूरे 7 दिन बाद जेल से छूट पाए थे। मैंने कहा, यार ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी पत्तियां तोड़ने पर सीधे जेल हो जा रही है? उन्होंने कहा कि पलाश का ही पेड़ था जो पहाड़ों पर खूब होता है, कोई खास पेड़ नहीं था। बस उनकी बकरी का पैर टूट गया था जिसकी वजह से वह चल नहीं सकती थी और कुंजी को उसके लिए पत्तियां लानी थी खाने के लिए। मेरी बकरी का नाम था एक मुंडी, वो उसका पैर टूट गया था। जंगल में जाती थी तो उसको पैर टूट गया था। पैर टूटने के कारण फिर वो बकरियन में जा नहीं पाती, तो उसको गया था मैं पत्ती तोड़ने के लिए। तो हाथ से पत्ती तोड़ रहा था, वहाँ फोट आया बर रखा, तो बर रखा ने देखा, उसने पकड़ लिया मेरे को। पकड़ लिया, मैंने उसको बताया भैया, मैंने भैया एक बकरी का पैर टूट गया, उसके लिए मानो मैं पत्ती है तोड़ रहा हूँ, तो मैं पत्ती तोड़ के ले आ रहा हूँ। बोले नहीं, उसने पकड़ा और पकड़ के उसने चंदनगर में ले गया। चंदनगर से उसने वहाँ केस बनाया और केस बना के भेज दिया मेरे को छतरपुर। छतरपुर भेज दिया, 7 दिन तो मैं जेल में बंद रहा। 7 दिन बाद में फिर जमानत करवाई। जमानत करवाने के बाद में आज भी 4 साल बराबर है, 4 साल केस अभी चल रहा है, केस नहीं टूटना है। इतना तो आदमी भी मार दूँ अगर तब उसको केस नहीं चलता है। जितना मानो ये यहाँ रहते हैं, रहते भाई अगर पत्ती भी तोड़ो कहाँ जाएंगे बताओ? जब बकरी रखेंगे तब तो वो पत्ता तो तोड़ने पड़ेगी। वन रक्षक ने कुंजी को इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि उनका गांव ढोड़न पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है, जहाँ वे पीढ़ियों से रह रहे हैं। जिस जंगल को वे अपना समझ रहे थे, अब वह उनका नहीं रहा। वहाँ जंगल को नुकसान पहुँचाना कानूनन अपराध है। वो बात अलग है कि बांध बनाने को आतुर सरकार उसी जगह पर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा पेड़ काटने की तैयारी कर रही है, लेकिन दो चार पत्तियां हाथ में पकड़े कुंजी को हमने अपराध की सरकारी फाइल में नाथ दिया। आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी, आदि का मतलब शुरुआत से, और वासी का मतलब होता है निवास कर रहे, रह रहे लोग। लेकिन विडंबना देखिए कि आज इस देश के सभी आदिवासियों से कहा जा रहा है कि वे अपनी 3 पीढ़ियों का सबूत दें, वरना जंगल जमीन खाली करें। साल 2006 में कांग्रेस की सरकार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लेकर आई। इस कानून के मुताबिक जो लोग जंगल की जमीन पर 31 दिसंबर 2005 से पहले रह रहे थे, उन्हें जमीन के पट्टे मिल रहे। लेकिन उनको यह बात साबित करनी होगी, मतलब आदिवासियों को उनकी ही जमीन के दस्तावेज दिखाने होंगे। यह अपने आप में एक विरोधाभासी बात है, क्योंकि अगर उनके पास दस्तावेज ही होते तो उनको कोई कैसे बेदखल कर देता, और आपको एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ती? 90% से भी ज्यादा आदिवासी लोगों के पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिससे वो यह साबित कर सकें कि वे 3 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। एक्ट बनने के बाद पिछले साल नवंबर तक 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने यह दावेदारी की थी कि वे जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वह उनकी अपनी है। इसमें से 19 लाख लोगों के दावे को सही माना गया था, लेकिन बाकी 19 लाख लोगों की दावेदारी को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया था और बाकी बचे लोगों के मामले को लटका दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन वहां भी 11 लाख से ज़्यादा आदिवासी परिवारों के ज़मीन पर दावे को खारिज कर दिया गया और 27 जुलाई 2019 से पहले ज़मीन को खाली कराने का आदेश राज्य सरकारों को दे दिया गया था। हालांकि बाद में इस आदेश पर रोक लगा दी गई थी।
अब 27 जुलाई 2019 को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 11.5 लाख से भी ज़्यादा परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। आप जानते हैं नक्सली और माओवादी कैसे बनते हैं? सोनभद्र में क्या हुआ? वहाँ के आदिवासी जिस जमीन को सदियों से जोत रहे थे, उसका दस्तावेज किसी और ने बनवा लिया और उस जमीन को अपना बताने लगे। अब पीढ़ियों से वहाँ खेती कर रहे आदिवासी अपनी ज़मीन को कैसे छोड़ देते? सो संघर्ष हुआ और 10 आदिवासी मारे गए, कई घायल हुए, और ये सब सिस्टम में बैठे अधिकारियों और मजबूत लोगों की मिलीभगत से हुआ था। राज्य सरकार इस हिंसा के लिए कांग्रेस को दोष दे रही है। अब आदिवासियों की ज़मीनें आप छीन लेंगे, उनके घर उजाड़ देंगे, न्याय करने की जगह कांग्रेस को कोसेंगे, तो यही आदिवासी एक दिन हथियार उठा लेंगे और हम इन्हें नक्सली या माओवादी कहेंगे।